नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गुजरात जाएंगे, बड़ी खबर। दरअसल भूपेंद्र पटेल आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे। गुजरात में सत्ता में वापसी भारतीय जनता की प्रचंड बहुमत के साथ हुई है और इस मौके पर आज बड़ा कार्यक्रम गुजरात में हो रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे और इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम गुजरात में आयोजित किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें, लोकसभा में डिंपल यादव शपथ ग्रहण करेंगी आज 11 बजे। ये कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का। मैनपुरी से लोकसभा पहुंची हैं डिंपल यादव। हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं लखनऊ से। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, डिंपल यादव आज अपना शपथ ग्रहण करेंगी, हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए जिसमें वो लोकसभा पहुंची है मैनपुरी से। क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किया जाएगा, तैयारियां किस तरह से हो रही हैं? और देखिए, डिंपल यादव एक बड़ी जीत हासिल की है मैनपुरी से, आज उनका शपथ ग्रहण है। हालांकि डिंपल यादव का जो कैरियर रहा है 2009 से शुरुआत हुई थी, 2009 में फिरोजाबाद से अखिलेश यादव की छोड़ी हुई सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसमें हार का सामना करना पड़ा था। ये उस समय जो खबरें आई थी इसका ये कहा गया था कि डिंपल यादव घर से बाहर नहीं निकली, शायद इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद जब कन्नौज, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्य, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उनकी जब सीट छोड़ी गई तो उसके बाद फिर उनकी सीट पर वो निर्विरोध चुनी गई कन्नौज से। कन्नौज पे जीतने के बाद, निर्विरोध चुनने के बाद फिर जब 2014 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय भी सुब्रत पाठक को पटकनी दी वहाँ से, जब उस समय मोदी की लहर चल रही थी डिंपल यादव की जीत मिली। 2019 पे सुब्रत पाठक से करारी हार मिली कन्नौज में और डिंपल यादव वहां से हार गई। उसके बाद लगातार जिस तरीके से डिंपल यादव ने कुछ चुनाव लड़े लेकिन उसमें हार का सामना करना पड़ा। अब उपचुनाव हुआ था मैनपुरी की सीट पर, 1996 से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है। एक पुश्तैनी सीट इसको भी कह सकते हैं क्योंकि दबदबा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर रहा है, शायद यही वजह है कि 2,84,000 वोटों से डिंपल यादव ने जीत दर्ज की, वहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। निश्चित रूप से आज जब उनका शपथ ग्रहण होगा तो कोई बड़ी जीत हासिल कर कोई शपथ ग्रहण लेता तो उसका जज्बा भी कुछ और ही होता है कि जिस तरीके से आज इन डिंपल यादव वहाँ पहुँची गई। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं, वो शपथ ग्रहण कराएंगे, साथ में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। आज एक ऐतिहासिक दिन, फिर से एक राजनीतिक करियर का शुरुआत होने जा रही डिंपल यादव की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मैनपुरी के बाद उनको कोई जीत नहीं मिल पाई थी, आज फिर से एक बार सांसद बनी है डिंपल यादव। हमेशा महिलाओं के मुद्दे उठाती है। उत्तर प्रदेश में 10-90 बना था, उसका भी उन्होंने ही समर्थन किया था। आज 10-90 महिलाओं के लिए एक अच्छा बेहतर काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से आज डिंपल यादव अगर वहां शपथ ग्रहण करने के बाद उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होगी, उनके मुद्दों को उठाने के लिए सदन में उठाएंगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने उनको चुना है तो बहुत सारे उम्मीदें भी मैनपुरी की जनता जरूर रखती है डिंपल यादव से। जी बिल्कुल अनुप, इसी लिहाज से आज काफी महत्वपूर्ण दिन है पूरा डिंपल यादव के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मैक्सिको दौरा, अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार केंद्र का उन्होंने दौरा किया है। मैक्सिको के दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। यूपी के कई वैज्ञानिकों, आपको बता दें, साथ मौजूद हैं और यूपी के वैज्ञानिक यहां महत्वपूर्ण योजनाएं दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं केंद्र का दौरा उन्होंने किया है यहां पर।
मैक्सिको दौरे पर हैं ब्रजेश पाठक, बड़ी खबर। डिप्टी सीएम का मैक्सिको दौरा। भारत के कई वैज्ञानिकों का यहां बड़ा योगदान है, जिस तरह से वैज्ञानिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उससे किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव आ रहे हैं। स्टेट ब्यूरो हेड अनिल के अंकुर जी जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। अनिल जी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मैक्सिको के दौरे पर हैं, क्या उनका पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से योगी सरकार ने विदेश से जा करके अधिकारियों और मंत्रियों को भेज करके, यहाँ तक कि मतलब जितने भी मंत्री का बड़े खास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम, सबको विदेश भेज करके और पहले से लाइनअप कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल समिट कर रहे हैं और तो ग्लोबल बिजनेस समिट करने के लिए उन्होंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि यूपी का डंका विदेश में जाके बज रहा है। ये एक अच्छी बात है और इससे आपको सबसे बड़ी खास बात यह है कि मंत्री लोग पहले से होमवर्क कर रहे हैं जा करके और किस तरीके से वहाँ के उद्यमियों को लाना है। जैसे कि अब ब्रजेश पाठक हैं, ब्रजेश पाठक इसमें मैक्सिको का दौरा कर रहे हैं, मैक्सिको के बगल में वो कनाडा भी जा सकते हैं जैसा कि संभावना है, और इसके अलावा वो जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां भी जाएंगे और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी, उनका ब्राजील और अन्य देशों में जाने का उनका प्लान है। तो जिस तरीके से प्लान एक एक मतलब जो सीनियर मंत्री को कई कई देश जा करके वहां के उद्यमियों से बात करना, उनको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना और यहां पे वन प्रोडक्ट ODP-OP है, तो इसको लेकर के पूरी तौर से डिटेलिंग करना कि हमें उत्तर प्रदेश में क्या क्या उनको लाभ मिलेगा और किस तरीके से उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, ये दोनों चीज़ें बताई जा रही हैं। तो उससे आपको बता दें कि जिस तरीके से उद्यमियों को लाने के पास किया है 10 लाख करोड़ रुपए मतलब विदेशी इन्वेस्टमेंट का जो प्लान बनाया गया है इसको साकार करने के लोग गए हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगा। एक बात आपको और बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशी दौरे को लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार यानी योगी सरकार विदेश जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से स्थापित करना चाह रही है। ये लोगों का काम है, विपक्ष है, विपक्ष के हमेशा आलोचना काम रहा है, लेकिन अगर ऐसे मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर और वो भी आर्थिक विकास के मुद्दे पर अगर कोई कोशिश की जा रही है तो उसको विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, एक दूसरे को काम करना चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश का विकास और बेहतर तरीके से हो सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद आरक्षण को लेकर लामबंद हुए हैं लोग, ऐसी सीट को लेकर विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया है, नहीं मिल रहा कोई ढंग का SC प्रत्याशी, गलत आरक्षित सीट को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश बना हुआ है। वार्ड नंबर 24 मोहल्ला किशन नगर का मामला है जहां प्रदर्शन किया गया आरक्षण को लेकर और लोग लामबंद हुए हैं आरक्षण के मुद्दे पर। दीपक भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं फिरोजाबाद से। दीपक, आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोग लामबंद हो गए हैं, काफी ज्यादा आक्रोश उनके भीतर नजर आ रहा है। विशेष मैं बता दी, पूरे फिरोजाबाद हम जनपद की बात करें तो यहाँ पर लगभग 70 वार्ड है या 70 वार्ड में अभी आरक्षण जो लागू हुआ है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है। इसी में एक मोहल्ला किशन नगर पड़ता है जो वार्ड नंबर 24 में आता है, 5 मोहल्ले हैं इस वार्ड में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 6,000 लोगों की लगभग वोटर हैं, जो 6,000 वोटर हैं यहाँ पर, तो 14% जो अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य जाति के लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सामान्य जाति के लोग और BC के लोग होने के बावजूद भी यहाँ पर SC सीट को किया गया। आज की स्थिति यह है कि यहाँ पर पार्टी को न तो कोई चुनाव लड़ाने के लिए कोई SC का व्यक्ति मिल रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल पा रहा है कि जो सामने वाले को टक्कर दे सके। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर तमाम लोग मोहल्ला किशन नगर के वार्ड के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी अपनी मांगों को रखा है। साफ इनकी मांग है कि आरक्षण के खिलाफ धरना प्रदर्शन है इनका वार्ड नंबर 24 में, कई बार ये विज्ञप्ति के भी आधार पर लोगों से अवगत करा चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर एक सज्जन है, क्या नाम है आपका? संजीव उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी।
जी आरक्षण जो हुआ है अभी ये गलत हुआ है। वार्ड नंबर 24 में जनरल और बीसी के लोग रहते हैं, उसके बाद भी एससी कर दी गई है, यहाँ 100 वोट भी नहीं होंगे एससी के। यहाँ हमारी मांग ये है तुरंत इसको सामान्य किया जाए जिससे सभी लोग यहाँ चुनाव लड़ सके। सभी सामान्य की मांग कर रहे हैं यहाँ पर, और भी है, क्या नाम है आपका? लबी तिवारी। लबी, आप यहाँ पे सब लोग काफी तादाद में बैठे हुए, क्या मानना है, क्या मांग है आपकी? आरक्षण के विरोध में अभी तक यहाँ 5 से 7 घर हैं ऐसी समाज के, और सारा जनरल और बीसी हैं, और 180 आपत्ति दर्ज करा दी गई है, आज प्रशासन ने सारी नष्ट कर दी गई है। तो ये है नीतीश, यहाँ का माहौल ये है कि यहाँ पर सभी लोगों की जो मांग है वो आरक्षण को लेकर के है, और यहाँ पर सामान्य सीट की मांग कर रहे हैं ये लोग। जी नीतीश, लेकिन दीपक काफी विचित्र सी समस्या कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर प्रशासन की ओर से कोई कदम उठाया जाता है तो उसके पीछे काफी कुछ पहले से रीडिंग भी होती है, चीजों को समझते हुए कदम उठाता है प्रशासन। आखिरकार क्यों इस सीट को आरक्षित किया गया अगर आबादी उतनी नहीं है? अगर कदम उठाया भी गया है प्रशासन की ओर से, तो क्या ऐसी समाज के घर यहां पर नहीं है इस पूरे वार्ड में? यही बात सबसे बड़ी सोचने वाली है। यहाँ के लोगों का भी मानना यह है कि जब यहाँ पर एससी के लोग है ही नहीं पूरे 500 वार्ड में, यहाँ पर प्रत्याशी बचे तो तैयार नहीं निकल के नहीं आ पा रहा है। दीपक, रोकना चाहूंगा आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी के दौरे पर हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित टेबल टेनिस का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस भी खेला। जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हम करते हैं तो किसी भी भाषा, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से ऊपर उठकर टीम इंडिया के रूप में सब इकट्ठे होते हैं, और कहीं ना कहीं इसी भावना, टीम इंडिया की भावना को प्रधानमंत्री मोदी जी 75वीं वर्षगांठ जो हमारी आज़ादी की है उस समय आज़ादी का अमृत के महोत्सव में खड़ा कर रहे हैं, ताकि अमृतकाल में युवाओं की भूमिका बड़ी हो और भारत को हर क्षेत्र में हम आगे ले जाने का काम करें, चाहे वो खेलकूद का ही क्यों ना हो। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, अयोध्या जी जाने का उत्साह है। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। ना केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास, कला, संस्कृति को जान भी सकें, और संबंध और अच्छे भाषा क्षेत्र से बाहर निकल कर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हो, उसकी नींव जो। तो स्पोर्ट्स को किस तरह से देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। It's party time with the Ajio Big Bold Sale. 50 to 90% off on the world's biggest fashion brands. Download the app and shop now. ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी, और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 60 साल पूरे होने पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया है। आपको बता दें होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम, ग्राउंड होमगार्ड मुख्यालय में होगा कार्यक्रम का आयोजन। होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस पर यह भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है। तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, होमगार्ड विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? देखिए, होमगार्ड को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में खासकर बड़ी तैयारियां की गई हैं होमगार्ड विभाग को सुधारने की, क्योंकि पहले वेतन को लेकर बड़ी विसंगतियां थी इस डिपार्टमेंट में, बाद में इसे ऑनलाइन किया गया, और अब फिलहाल करीब 1.25 लाख ऐसे होमगार्ड जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। लगातार उन्हें असलहे की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले होमगार्ड असलहा तो दूर एक डंडे के साथ भी नहीं रहता था, लेकिन अब जल्द ही उनके हाथों में असलहे भी होंगे, हाईटेक वेपन्स होंगे, तो फिलहाल असलहे जो
होमगार्ड डिपार्टमेंट है उसका स्थापना दिवस है आज, और आज कई तरह के ऐलान भी होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो असलहे के साथ ही उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें बाइकर्स की एक ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बाइकर्स होगा एक टोली होगी जो होमगार्ड की जो जगह जगह निकलेगी, लोगों को सतर्क करेगी, यानी कि उसको पूरी तरह से पुलिस विभाग की तर्ज पर लाने की तैयारी है। आज बड़ा दिन है और कई ऐसे खास आज उपलब्धियाँ होमगार्ड की तरफ की जो आज बताई जाएंगी स्थापना दिवस के दिन पर। और धर्मवीर प्रजापति जो मंत्री हैं वो पहुंच भी चुके हैं स्थल पर, अभी कुछ देर में ही ऐलान होने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि वेतन को लेकर खासकर जो 1.25 लाख होमगार्ड काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, आज उसका भी ऐलान होगा कि कैसे वो होमगार्ड की जो सैलरी है वो सही तरीके से निकल के आ पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है होमगार्ड्स की सुरक्षा के मद्देनजर। उधर रुख करते हैं एक दिल्ली से बड़ी खबर का। उत्तराखंड के सभी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। लोकसभा राज्यसभा मिलाकर 8 सांसद हैं उत्तराखंड से, और बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में आज बैठक कर रहे हैं। पूर्व सीएम के घर पर यह बैठक होगी। आगे की कार्य समिति अन्य तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा यहां पर की जाएगी। और अजीत कंबोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजीत, उत्तराखंड के सभी सांसदों की आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, आखिरकार मुद्दे क्या हैं, किस चीज को लेकर मंथन किया जा रहा है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली में जिस तरह से एक बड़ी बैठक उत्तराखंड भाजपा के तमाम शीर्ष नेताओं की होने जा रही है उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हरिद्वार से सांसद हैं उनके आवास पर यह बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड भाजपा के सभी 8 सांसद मौजूद रहेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सभी सांसद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। जो उत्तराखंड प्रभारी है दुष्यंत गौतम वो इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं और तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। 2 दिन पहले राजधानी देहरादून स्थित भाजपा मुख्यालय में तमाम बैठकों का आयोजन प्रभारी की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें कई निर्णय लिए गए थे। इसमें मुख्य तौर पर आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो रोडमैप एक तैयार होना है उस पर चर्चा की गई है। और अब मुमकिन ये माना जा रहा है कि जो दोपहर बाद जो बैठक होनी है दिल्ली में उसमें इन्हीं तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसे आम जनता तक पहुंच बनानी होगी, कैसे उनको मजबूती से अपने पक्ष में खड़ा करना होगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर डॉक्टर निशंक के आवास पर यह बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और तमाम राज्यसभा लोकसभा के सांसद मौजूद रहेंगे। जी अजीत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज पूरा मंथन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों की ओर से किया जाएगा, क्या किसी प्रकार की जिम्मेदारी सांसदों को दी जा सकती है आगामी चुनाव के मद्देनजर? बिल्कुल, अगर अभी की बात की जाए तो अभी केवल जो भाजपा का फोकस है वो जनता के बीच जाने पर है। राजधानी देहरादून में जो 2 दिन पहले बैठक हुई थी उस पर इसी बात का जोर दिया गया था कि कैसे हम जनता तक पहुंच बनानी होगी और कैसे अपने सदस्यता अभियान को और तेजी से लाना होगा। सबसे बड़ा जो अहम रोल हो जाता है किसी भी चुनाव में वो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं का होता है, उनको मनोबल उनका बढ़ाने के लिए कैसे हमें काम करना होगा। अगर जिला मंडल स्तर पर हम अपने पदाधिकारियों की तैनाती करते हैं तो वो ऐसे चेहरे होने चाहिए जो सीधे आम जनता में पकड़ रखते हों, और उसी के बाद जिला स्तर, प्रदेश स्तर और फिर लोकसभा स्तर तक पर यहाँ पर पदाधिकारियों की तैनाती होनी है। तो इसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा सांसदों की भी यहाँ पर राय शुमारी होनी चाहिए। हालांकि जो देहरादून में बैठक हुई थी उसमें जो सांसद हैं वो मौजूद नहीं थे, केवल प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद थे। अब ये लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ एक बैठक होने जा रही है तो मुमकिन यह है कि जो देहरादून का जो चर्चा हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर बाहर आया है, ये तमाम विषयों को लेकर देहरादून से अब दिल्ली में बैठक होने जा रही है। दिल्ली में बड़ी बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम सांसद मौजूद रहेंगे। तो उम्मीद यही है कि आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ पे काफी विस्तृत तौर पर चर्चा होगी और उत्तराखंड कैसे भाजपा बैठक में इस पूरी चर्चा और मंथन में निकलकर क्या सामने आता है, चूंकि काफी महत्वपूर्ण इस पूरी बैठक को माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। उधर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 आरोपियों के नार्को टेस्ट पर सुनवाई होनी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी यह बड़ी खबर आपको बता दें, वीआईपी से खुलेगा राज। आज होगी 3 आरोपी के नार्को टेस्ट पर सुनवाई, और इस पूरे मामले में जो वीआईपी एंगल है जिसको लेकर सवाल शुरुआती दौर से ही उठाए गए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं खुलासा होने की संभावनाएं हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा।
नार्को टेस्ट के बाद वीआईपी का खुलेगा राज, ये बड़ी जानकारी अंकिता हत्याकांड से जुड़ी। विशाल गर्ग हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विशाल, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, बताया जा रहा है आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ और अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए लगभग 3 महीने का वक्त गुजर गया है और अभी तक जो वीआईपी का नाम है उस पर अभी तक संशय बना हुआ है। लगातार जो विभिन्न दल हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठाने लगे थे, जिसको लेकर के देखिए पुलिस भी अब सचेत हो चुकी है और उन्होंने शुक्रवार को ही कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आरोपियों का नार्को टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज सुनवाई होगी और आज इस पर फैसला होगा कि क्या नार्को टेस्ट होगा या नहीं। आज कोर्ट पहले दोनों जो दल हैं उनको सुनेगा, उनकी बातों को समझेगा और आज हाँ या नाम में फैसला हो जाएगा कि ये नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा। लंबे समय से जो परिजन है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि जो वीआईपी लोग हैं उनको भी बचाया जा रहा है लगातार, क्योंकि पूरा उत्तराखंड अंकिता मर्डर केस को लेकर के जो चाह रहा था कि जल्द से जल्द इसमें न्याय हो, जल्द से जल्द चीजें हो, जिसको लेकर के देखिए लगातार जो सरकारें हैं वो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जनसुनवाई करने की जो चीजें हैं वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अगर जो अंकिता के हत्यारे हैं उन पे कब तक किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है उसको लेकर भी पुलिस देखिए पूरी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और आज कोर्ट के फैसले से ये साफ हो जाएगा कि नार्को टेस्ट होगा और नहीं होगा, क्योंकि अगर नार्को टेस्ट हो जाता है तो कई ऐसे राज हैं जो पुलिस आरोपियों से उगलवा सकती है। हर्ष, इस पूरे मामले में अगर देखा विशाल देखा जाए तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की ओर से की गई, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और क्या कुछ खुलासे अभी तक हो पाए, 3 महीने का समय गुजर गया है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए 3 महीनों की अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो सिर्फ आरोपी ही अभी तक पकड़ में आए हैं, जो उनके जो रिजोर्ट है उस पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कड़ी पुलिस के हाथ में नहीं आई पाई है या फिर ऐसी जांच में भी ऐसा कुछ खास निकल करके सामने नहीं आ पाया है जो कि एक कठोर एविडेंस हो, जो कि एक जो आरोपियों की लगातार फांसी की मांग की जा रही है उस पर एक जो है अपनी रिपोर्ट दे सके। लेकिन ऐसे में लगातार पुलिस जांच करने की बात कर रही है और पुलिस पर भी कि पुलिस की भी कार्यशैली पर लगातार सवाल उठने लगे हैं, तो जिसको लेकर के लगातार अब पुलिस भी आगे की कार्रवाई के लिए चाह रही है कि नार्को टेस्ट हो जाए। तो इसके लिए देखिए आज सुनवाई हो सकती है और आज सुनवाई के बाद ही ये सामने आएगा कि नार्को टेस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर नार्को टेस्ट हो जाता है तो कई राज ऐसे हैं जो कि सामने आ जाएंगे। बिल्कुल विशाल, उम्मीदें कई ज्यादा हैं परिजनों को भी लोगों को भी, चूंकि काफी ज्यादा आक्रोश अभी भी इस पूरे मामले में बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको अपडेट करा दें, आजम खान से जुड़ी यह बड़ी जानकारी। आजम खान के एक मामले में आज सुनवाई होनी है, एमपी एमएलए कोर्ट में यह सुनवाई होगी। भड़काऊ भाषण का पूरा मामला है, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान पर सुनवाई होनी है, पहले ही हेट स्पीच के मामले में सजायाफ्ता हैं, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई और इस सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार भी गया और अब एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं आजम खान की, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरा मामला दर्ज हुआ था, भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ केस। एमपी एमएलए कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है आज। 2019 के चुनावों के वक्त भड़काऊ भाषण को लेकर यह केस दर्ज किया गया था और इस मामले में आज सुनवाई होनी है, यानी कह सकते हैं कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आज एक बार फिर। पहले ही भड़काऊ भाषण के मामले में सजायाफ्ता हैं आजम खान। बड़ी और अहम खबर आजम खान से जुड़ी हुई, एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं आजम खान की। भड़काऊ भाषण के मामले में आज सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में और तौकीर किदवई हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जरा जानकारी के लिए। तौकीर, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, एक बार फिर भड़काऊ भाषण के मामले में आज सुनवाई होनी है। देखिए ये पूरा मामला अब कोर्ट पहुंच चुका था, 2019 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, भड़काऊ भाषण से लेकर एक मुकदमा लिखा गया था उसी की जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से चार्जशीट फाइल कर दी गई थी जिसमें इन्हें पूरी तरह से आरोपी बताया गया था, लेकिन आज कोर्ट में सुनवाई होनी है और कहीं ना कहीं जो पहले जिस तरह से इनकी सदस्यता जिस मामले में रद्द हुई वो भी भड़काऊ भाषण का ही मामला था। अब देखना होगा कि इस मामले में आजम खान को कितनी राहत मिलती है या फिर सजा का ऐलान होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
देखना होगा कि आखिरकार सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है, क्या राहत मिलती है या फिर मुश्किलें एक बार फिर बढ़ेंगी आजम खान की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।